पन्ना जिले के वन परिक्षेत्र पवई बीट में साल 2017 में तेंदुए के शिकार मामले में आरोपी बाल किशुन आदिवासी को दोबारा गिरफ्तार किया गया, जिसको कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि इस मामले में आरोपी बाल किशुन को पहले ही गिरफ्तार करके पवई कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे कोर्ट के द्वारा जमानत पर रिहा किया गया और पेशियां नियत की गई थी। वहीं पेशियों पर न आने के चलते 12 अगस्त 2021 को पवई कोर्ट ने स्थाई वारंट जारी किया था। वहीं इस दौरान आरोपी लगभग 2 सालों से नाम बदल कर वन अधिकारियों को चकमा देकर फरार चल रहा था, जिसे दोबारा गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ पे वन अपराध प्रकरण दर्ज हुआ था 2017 में, तेंदुए की शिकार का प्रकरण दर्ज हुआ था। उसमें यह आरोपी था, यह जमानत पर छोड़ा गया। उसके बाद लगातार अग्रिम पेशियों में उपस्थित रहा और 2021 में माननीय न्यायालय द्वारा इसको स्थायी वारंटी करार दिया गया और इसकी तलाश उसके बाद लगातार पूछताछ, दबिश और मुखबिर तंत्र के द्वारा की जा रही थी। इसको कल हमारी टीम ने पवई से जो है गिरफ्तार किया है।